मेरा नाम मोनू है जी। अच्छा, टनल में फंसे मजदूरों को निकाला है, किस तरह से निकाला और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी सर, कठिनाइयां तो बहुत पड़ी थी, फिर भी हमें मजदूर लोगों को बचाना था। किस तरह से बचाया? हमने मैनहोलिंग ड्रिल करी थी। ये कहां से सीखा आपने? मैंने गांव में और लड़के काम करते थे उनके साथ गया था मैं। इंदौर में मैंने लाइन डाली थी, काफ़ी जगह डाली है, मुंबई में भी डाल के आया हूँ। बाकी मेरे पास फ़ोन आया था, बचपन से ही कर रहा हूँ, 2007 से कर रहा हूँ ये काम। मेरे पास फ़ोन आया, मैं हमारे मुन्ना भाई हैं, वो हमारे मेन लीडर हैं, एक वकील हसन है, उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ उत्तरकाशी में 41 लोग फंसे हुए हैं, आओ वहाँ पे चलते हैं। तो मक्का जी चलो, हम तुरंत वहाँ पे गए। वहाँ पे मशीन फंसी हुई थी, वो मशीन फंस गई ओगड़, उसके सारे भर में काट के बाहर निकलवाए, फिर हमने उसमें सुरंग करी। हमने 26 घंटे में 18 मीटर काम को अंजाम दिया। जब मजदूरों के पास पहुंचे, हमने उनको निकाला। कितने लोग हैं अपने गांव से? हम 5 बंदे हैं, एक लड़का हमारे साथ कासगंज का, और 6 बंदे हम दिल्ली गए हैं, वो दिल्ली हैं। क्या सहयोग रहा सरकार से? क्या सहयोग मांग है? सरकार से क्या मांग है, हमने तो मजदूर बच गए वही बहुत हैं, हम भी तो कहीं फंस जाते, हमें भी कोई बचाने जाता। हाँ, पूरा गर्व जी हमें, हमने उनको बचाया। अंकुर जी, क्या कहेंगे, अभी आप उत्तराखंड से आए, एक सुरंग से और मजदूरों को बचा कर आए हैं? जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनमें की जान बच गई, जब से हमारी जान जब से जो हमें डल जाती उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, उनकी जान बचनी जरूरी थी। हाँ जी, कहाँ से फोन आया आपको, बुलाया गया? हमें मुन्ना हमारे डीलर हैं, मुन्ना भाई, और हमारे बकील कुरैशी जी हैं, वो हमारे डीलर हैं जी, उनके सहारे हम गए थे। अरे हमारे मोनू भाई हैं इधर, इनके सहारे हम गए थे वहाँ पर जी, और मजदूरों के लिए तो हमने जान से भी लेकर ताकत लगा दी थी जी, जितना हमें दम था, 24 घंटे काम करके दिखाया था जब हमने वो। कितना टाइम लगा? 26 घंटा लगा था जी, 26 घंटा में वो हमने भाड़ा लिखा लेते जी, 18 मीटर पाइप करा था जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।